आशना के बिहाफ पे भी, जो उस दिन तुम लोगों को एक वीडियो में साउंड हो रहा था छपरी, पहली बात तो छपरी नहीं था, उसने पिछली बोला था। तो हाँ गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कटारिया और उसकी गर्लफ्रेंड का एक वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था छपरी को लेकर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि उसकी गर्लफ्रेंड ब्लॉग में छपरी वर्ड यूज की थी और लोग टारगेट एलविस यादव को ही कर रहे थे, लेकिन आज कटारिया ने बताया कि मुझे और मेरे भाई से कितना लड़ाने की कोशिश करो लेकिन हम दोनों कभी नहीं लड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कटारिया का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए। आशना के बिहाफ पे भी, जो उस दिन तुम लोगों को एक वीडियो में साउंड हो रहा था छपरी, पहली बात तो छपरी नहीं था, उसने पिछली बोला था। और ये वर्ड लगा के सुनो एक बार, नहीं था ये क्लियर करने का, क्योंकि हम तो वैसे बोल भी नहीं सकते मजाक मस्ती में भी ये सब बातें जो तुम्हें लग रही हैं। तो बस यहाँ पे आके मेरे को बताना था कि हमारी तरफ से क्या चीज़ें थी और क्या आपको लगी। और शी वॉन्टेड के एक बार मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों का, भी आप लोग मिसअंडरस्टैंड ना करो उस चीज़ को। मेरे को भी पहले भाई सुनाई दिया था, पर जब पता लगी तो भाई इतना मुझे विश्वास है। और रही बात उन चीज़ों की कि बोलना होता तो भाई हम वैसे भी बोलते, ठीक है, समझ रहे हो ना, मैं ब्लॉग में क्यों डालता जानबूझ के, ये चीज़ें नहीं है। ना उसने नाम लिया, ना उसने जिक्र किया कि एलविस को बोल रही नहीं बोल रही है। तो जो जो लोग ये नरेटिव फैलाते हैं ना भाई अगेंस्ट करने के, वो मत करे करो यार, अपना लाइफ देख लो। कुछ नेगेटिव चीज़ों से बढ़िया जो पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं उनको शेयर करा करो। ये नेगेटिव माहौल बना के किसी को कुछ नहीं मिलना, इतना ही बोलना था यार, बाकी मेरे को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। कितना ही भिड़वाने की कोशिश कर लो दो भाइयों को, लड़ाई करवाने की कोशिश कर लो, ऐसे लड़ाइयाँ नहीं होती जैसे आप लोग चाहते हो, या कहीं नेरेटिव फैला के ऐसी चीजें नहीं चलती जैसे आप। तो हाँ गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह से अपडेट पाने के लिए।